हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिना स्विच बोर्ड के भी आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से घर पर। जैसे कि मैंने पहले से ले रखा एक वायर में लगा हुआ एक होल्डर, और इसके साथ साथ प्लग भी ले रखा है वायर में लगा हुआ। और ये दोनों को अच्छी तरह से इसे ट्विस्ट कर लें। ट्विस्ट करने के बाद इसे अच्छी तरह से इसे टेप कर ले। जैसा कि हमारा ये वायर पूरा कंप्लीट हो चुका है, चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक एलईडी बल्ब ले लिया है, इसे चेक करेंगे ये एलईडी अच्छा है या खराब है। तो इसे चेक करने के लिए मैंने एक 100 वाट की एक बल्ब ले लेता हूँ। आप कुछ इस तरह से लगा लें। लगाने के बाद इस वायर को प्लग कुछ इस तरीके से लगा लें। पूरी अच्छी सेफ्टी के साथ इसे यूज करें घर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये एलईडी बल्ब सही है। और मैं एक ट्यूबलाइट ले लेता हूं इसे चेक करने के लिए, ये ट्यूबलाइट हमारा सही है या खराब है, इसे भी चेक करके आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ट्यूबलाइट ये सही है, और दूसरे साइड में भी इसे चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे साइड में एक सही है या नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा दूसरा साइड भी ये सही है। कुछ इस तरीके से आप अपने घर पर भी आप चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैं एक फ़ैन कैपेसिटर ले लेता हूं, और आप देख सकते हैं, और इसे चेक करके आपको दिखाता हूं कि हमारा कैपेसिटर अच्छा है या ख़राब। कुछ इस तरीके से आप घर पर भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारा बल्ब सीरीज में जल रहा है, तो हमारा कैपेसिटर सही है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों का दोस्तों? तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।